फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मिशन ऑनलाइन हेल्प में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इस सेंट्रल रेलवे यानी कि ECR रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें अपने मोबाइल से। और फ्रेंड्स बता दूँ, इसमें जो 10th+ ITI पास किए होंगे वे सभी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि इतने सारे रेलवे अप्रेंटिस वैकेंसियाँ दे रही है कि इसमें सभी लोगों का लगभग सलेक्शन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग सभी लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रेलवे अप्रेंटिस की जितनी भी अप्रेंटिस आती है तो मेरे चैनल के माध्यम से उसका नोटिफिकेशन और ऑनलाइन की प्रोसेस और मेरिट लिस्ट सबसे पहले बताई जाती है। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नाउ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको स्टार्ट करने के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन किया आएगा। तो आपको गूगल के सर्च बार में टाइप करना है RRCECR.gov.in। टाइप कर लेने के बाद फ्रेंड्स सिंपली सर्च पे क्लिक करना है। जब आप फ्रेंड्स सर्च पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह से पेज ओपन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसके सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि महत्वपूर्ण जानकारी इंपोर्टेंस नोटिस जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको। जब आप फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो आपके इस तरह पेज ओपन के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसका जो नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते हैं हिंदी में तो सिंपली हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे, अगर आप अंग्रेजी में पाना चाहते हैं अंग्रेजी में क्लिक करेंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ऑनलाइन के भरने की, तो रीडिंग कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ग्रीन में नीचे में दिख रहा है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। इससे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, नोट मैं बता देता हूँ। जैसे में कि टोटल पोस्ट जो है इसमें 2206 पोस्ट आई हुई है। ऑनलाइन स्टार्ट करने की जो डेट रखी गई 6/10/2021 है, यानी सुबह के 11 बजे से, और लास्ट डेट जो इसकी रहेगी 5/11/2021 शाम के 5 बजे तक। और फ्रेंड्स इसमें जनरल OBC का 100 रुपया लगेंगे चार्ज, और फिर SC ST PWBD और वुमेन के लिए 9 फी है। फिर एज लिमिट की बात की जाए तो 15 वर्ष 1/1/2021 तक हो जानी चाहिए और 24 अधिकतम उम्र। बाकी आप जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो आपको मिलेगी। और फ्रेंड्स इसमें क्वालिफिकेशन की जो बात कही गई है 10th+ITI और 10th में 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स। और फोटोग्राफ की जो बात करें 20 से 70 KB में होने चाहिए JPG फॉर्मेट में, और सिग्नेचर जो होनी चाहिए 20 से 30 KB में होने JPG फॉर्मेट में, और डॉक्यूमेंट जो रहेगा 100 KB के अंदर में रहेगा PDF फॉर्मेट में। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो ग्रीन वाले पे हम क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से पेज ओपन के आ जाएगा। तो यहाँ पे शुरू ऊपर एकदम चलेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आर यू न्यू एप्लीकेंट। तो अगर न्यू यूजर्स है तो सिंपली इस वाले पे क्लिक करना है। अगर फ्रेंड्स पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डालेंगे और पासवर्ड इसमें डालेंगे, और जो कैप्चा दिख रहा है सिंपली इस वाले फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे न्यू यूजर की बात करने वाला हूँ, तो न्यू यूजर से स्टार्ट करते हैं। न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से पेज ओपन के आएगा। स्क्रॉल के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जितने भी स्टार मार्क लगे होंगे सबको फिल करना है फ्रेंड्स, क्योंकि वो अनिवार्य रहता है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप जब देखते हैं कि आइडेंटिफाई डिटेल्स, तो सिंपली करना क्या है कि पहले ऑप्शन में आपको स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे आप जिस भी स्टेट जो आपका होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि आई है माई आधार, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सिंपली आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। अगर आप न्यू अप्लाई आधार कार्ड है तो सिंपली इस पर क्लिक करके आप आधार कार्ड का जो रिसीविंग इनरोलमेंट नंबर होगा वो टाइप कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स अगला स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मार्क आइडेंटिफिकेशन का, तो सिंपली क्या करना है कि जैसे कि बॉडी पे या गाल या कहीं पे आपका तिल या कटिंग का साइन होगा वो आपको फिल करना है। जैसे कि मेरे हैंड में राइट हैंड में क्या है, कट का साइन है, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अ कट ऑन राइट हैंड फिंगर इन फिंगर। तो इस तरह से फिर आप फिल करेंगे, अन्यथा अगर नहीं है तो नो कर देंगे, नील रख देंगे प्लस। उसके बाद अगला ऑप्शन चलते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑफ डिवीज़न, अगर आप जिस भी डिवीज़न से फॉर्म भरना चाहते हैं उस डिवीजन को सिलेक्ट करेंगे। इस डिवीजन को आप नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर लेंगे कि किस डिवीजन में कितना सीट है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से फिल करेंगे फ्रेंड्स। तो कोई एक आप फिल कर लेंगे इसमें से। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेम, फुल नेम, जो कि आपको 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जो नाम होगा वो आपको इसमें नाम फिल करना है। उसमें आप अपने फादर्स का नाम फिल करेंगे। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि कोई भी अगर वुमेन या फीमेल अगर फिल कर रही है तो अगर मैरिज है तो अपना पति का नाम देंगे, अन्यथा फादर का नाम देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जेंडर का, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं, पहले जेंडर सेलेक्ट करें, जो भी आप जेंडर हो वो भी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कम्युनिटी, जिस कास्ट से आप आ रहे हो उस कास्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहा है कि बेंच मार्क, अगर डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर छोड़ नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको कुछ प्रोसेस होगा, इसके सर्टिफिकेट नंबर कौन सा बेंच
मार्क है जो भी आपको किस तरह से विकलांग है वो आपको एस करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स नो नहीं है तो नो पर कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगला स्टेप चलता है, तो क्या आप एक सर्विसमैन हैं तो एस करेंगे अन्यथा नो छोड़ देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद तो फ्रेंड्स करना क्या है कि पहले आप अपना डेट सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका डेट होगा डेट ऑफ बर्थ का। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे कब कौन सी ईयर में आपको जन्म हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका एज बता देगा, कितना उम्र है, डेट मंथ सब बता देगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला स्टेप में क्या करना है कि आप अपना ईमेल टाइप कर लेंगे जो भी आपका एक्टिव ईमेल होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी, जिससे क्या होगा कि उस पर आपको पासवर्ड जाएगा इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। फ्रेंड्स उसके बाद अगला स्टेप में जब आते हैं तो आपको ITI पास कौन से ट्रेड से है वो ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है आपको जो भी आपका ट्रेड हो। उसके बाद फ्रेंड्स जब ये सेलेक्ट कर लेंगे तो आप एक्सेस कोड जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिंपली इसमें फिल करना है। उसके बाद फ्रेंड्स रजिस्टर्ड पे क्लिक करना रहेगा। फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज बन के आएगा। ऊपर स्क्रॉल में चलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है और फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपको जो आपने ईमेल नंबर जो दिए टाइप किए थे उस पर चला गया है, तो वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सब लिख लें। उसके बाद फ्रेंड्स क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं। क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से पेज ओपन के आएगा। स्क्रॉल पे ऊपर की चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉगिन, तो आप यहाँ पे जो आप मेल पे आपको गया होगा मेल पे रजिस्ट्रेशन नंबर वो इसमें फिल करेंगे और उसके बाद पासवर्ड भी गया होंगे सिंपली से फिल करेंगे। और उसके फ्रेंड्स यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है एक्सेस कोड, इस कोड के इसमें टाइप करके उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने सिर्फ पेज ओपन के आएगा तो इसको ऊपर एकदम चलेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे कि फर्स्ट में आपका नाम आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप किया था वो आ गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहा है कि आपको जो ईमेल पे पासवर्ड जो गया था जो आप पासवर्ड टाइप हुए ओपन किए हैं वो पासवर्ड इसमें ओल्ड वाली पासवर्ड इसमें टाइप कर लेना है और उसमें फ्रेंड्स न्यू पासवर्ड जनरेट करना है आप अपने हिसाब से टाइप करेंगे। जैसे कि आपको पासवर्ड इस तरह से बनाना है, जैसे कि मोहन नाम हो गया आपका, ये हम बना देंगे OHAN इस तरह कर देंगे 1 2 कर देंगे और इसके बाद हच या @ कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप मिक्सिंग करके 10 डिजिट के अंडर में इसको बनाना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पासवर्ड बना लेता हूँ। उसके बाद सिंपली क्या करना है आपको अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह पेज ओपन के आएगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि लिखा गया है कि आपको सफलतापूर्वक पासवर्ड बदल दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लॉगिन पे क्लिक करने के लिए यहाँ क्लिक करें तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से फिर आपको डैशबोर्ड ओपन के आ जाएगा तो यहाँ फिर से क्या करना है आपको, आप रजिस्ट्रेशन नंबर वो टाइप कर लेना है और जो आपने पासवर्ड बनाया है नया वो इसमें फिल करना है। उसके बाद ये एक्सेस कोड इसमें टाइप कर लेना है, उसमें फ्रेंड्स सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से पेज ओपन आएगा, इसको स्क्रॉल ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपका डिटेल्स में यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स अगला स्टेप है तो फ्रेंड्स इसको स्क्रॉल ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CBSE लिखा हुआ, अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्त अदर में क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा ही अगला स्टेप जब आते हैं तो यहाँ पर जो बोर्ड का नाम होगा उस बोर्ड का नाम टाइप कर लेंगे इसमें। उसके बाद फ्रेंड्स नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप कौन से इंस्टीट्यूट में पास किए थे, आप अपने स्कूल का हाई स्कूल का नाम लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखा जाएगा कि ईयर ऑफ पासिंग SSC यानी कि 10th कब आप पास किए थे वो इसमें फिल करना है। उसके बाद फ्रेंड्स सेलेक्ट करके देख लेंगे जो भी आपका ईयर जब आप पास किए होंगे उस ईयर को सेलेक्ट करेंगे कोई भी ईयर हो। उसके बाद फ्रेंड्स अगला स्टेप में चलते हैं तो आपको दिखाई देगा आपको SSC OR मार्कशीट नंबर जो है इसमें फिल करना है। आप मार्कशीट के ऊपर एक नंबर दिखाई देगा वो नंबर इसमें फिल कर लेना है फ्रेंड्स। उस अगला स्टेप में चलते हैं तो यहाँ पर आपको CGPA का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, उसके बाद मार्क का, तो अगर CGPA से आप आते हैं तो उसमें क्लिक करेंगे। अगर मार्क्स है तो मार्क्स से हम लोग के इधर मार्क्स होता है तो मार्क्स से क्लिक सेलेक्ट करके उसके बाद फ्रेंड्स ऑबिटेन आपने कितने अंक प्राप्त किए थे वो उसको फिल करना है। मैक्सिमम मार्क इसमें दिया हुआ नेक्स्ट वाले में, तो इसमें आप कितने नंबर का एग्जाम हुआ था वो इसमें फिल करना है। उसमें फ्रेंड्स परसेंटेज आ जाएंगे फ्रेंड्स से, तो यहाँ पर हम फिल करते हैं कितने आप प्राप्त किए थे वो हम फिल कर लेते हैं। अगला स्टेप में चलते हैं उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है ना
आपका परसेंटेज आ जाती है। इस तरह से आप इसी तरह से ITI का जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिया गया है तो सिंपली इस पर देख लेंगे, तो आप अपना ट्रेड सेलेक्ट करेंगे जो कि सेलेक्ट हुआ रहता है, और उसमें से ITI आप ईयर पासिंग आप कब पास किए थे वो आप इसमें टाइप कर लेंगे। उसमें नेशनल यानी कि NTC आपका सर्टिफिकेट ITI का जो होगा वो इसमें फिल करना है, नंबर राइट कॉर्नर पर रहता है वो नंबर आपको इसमें टाइप कर लेना है। ऑप्शन सर्टिफिकेट इशू अथोराइज मतलब किसके द्वारा ये इशू किया गया, जिसके NCVT होता है वो आप देख लेंगे, NCVC STVT जो भी आपका होगा उस हिसाब से देख लेंगे, और फ्रेंड्स कहाँ से आप ITI किए हैं उस ITI का नाम देख लेंगे। और फ्रेंड्स आगे जब चलते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल कितने अंक प्राप्त हुए थे वो इसमें टाइप कर लेना है, उसमें कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था वो इसमें देख लेना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा फ्रेंड्स। जैसे मेरे इधर होता है कि 1 ईयर का 700 नंबर का एग्ज़ाम होता है, आपको जितना भी नंबर अंक प्राप्त हुए तो उस हिसाब से आप टाइप कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल मार्क्स टाइप कर लेंगे, उसमें से आइडेंटिफाई पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका टोटल परसेंटेज आ जाती है। इसके बाद आपका जो दोनों एवरेज परसेंटेज दिखाया जाता है कितना का आपको मैट्रिक और टेंथ और ITI का मिक्सिंग करके आपको एवरेज मार्क्स बताया, इसी पर आपको क्या होता है कि मेरिट लिस्ट बनाया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से पेज ओपन आ जाएगा, तो इसको स्कूल के ऊपर चलेंगे तो आप अपने फर्स्ट में आप रजिस्ट्रेशन डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स फिल करना है, तो फ्रेंड्स कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस जो दिखा रहा है तो इसमें आप जहाँ का एड्रेस रह रहे हैं आप अपना एड्रेस फिल कर लेंगे, उसमें आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा इस समय से कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आप अपना स्टेट तो सेलेक्ट हुआ है, उसके बाद फ्रेंड्स पिन कोड सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे आप एड्रेस देंगे वहाँ का पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगला स्टेप में आते हैं तो अपलोड फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो फर्स्ट में क्या है कि अपलोड फोटो, तो फोटो का जो आपको साइज रहेगा फ्रेंड्स 20x70 KB में रहेगा JPG फॉर्मेट में। और फ्रेंड्स उसके बाद अपलोड टू सिग्नेचर का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, तो सिंपली इसका जो आपको रहेगा 20x30 KB में रहेगा, JPG फॉर्मेट में रहेगा फ्रेंड्स। उसको सिलेक्ट जैसा ही हम चूज फाइल पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे फोटो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगला स्टेप जब आता है लास्ट में नेक्स्ट का, सिंपली नेक्स्ट करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट करने से पहले से मैं बता दूँ कि आप फोटो जब खींच के लगाएंगे, जो भी फोटो आप लगाएंगे आप अपने बैकग्राउंड वाइट रखिएगा, और फ्रेंड्स इसका जो है 3 महीने के अंदर का फोटो खींचा हुआ रहना चाहिए कि हाल ही का फोटो रहना चाहिए, उसके बाद फ्रेंड्स आपका अपलोड लेगा, अन्यथा नहीं ले पाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस पे जो आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रोसेस आ गई है। तो यहाँ पर आप लिखा हुआ है कि डू नॉट मानी कि जब भी आप PDF फाइल बनाएंगे तो उसका स्पेशल करेक्टर में नाम नहीं देंगे, ओनली लेटर में देना है फ्रेंड्स। जिस तरह से आपने फोटो का और सिग्नेचर का नाम दिया होगा वहाँ पे स्पेशल करेक्टर नहीं देना, अंक में नहीं देना है, नाम में देना रहता है। उस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर भी PDF फाइल जो बनाइएगा 100 KB के नीचे में होना चाहिए, और उसका फाइल में स्पेशल करेक्टर यानी कि @ ये सब नहीं होना चाहिए, ओनली नेम होना, ABC ऐसे नाम अपने डाल सकते हैं, ये सब होना चाहिए। उसमें आप अपने यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, 10th की जो है मार्क्सिट होगी वो इसमें अपन चूज कर लेंगे, उसके बाद अपलोड पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप जब आता है तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ तो इसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, या अन्यथा 10th का भी जिसमें मार्क्सिट डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसी तरह से आपको जो है ITI का जो मार्क्सिट होगा अंतिम सेमेस्टर का वो वाली इसमें सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। उससे फिर अगला स्टेप जो आता है NCVT का जो होता है लास्ट ईयर का जो मतलब फाइनल सर्टिफिकेट जो होता है उसमें चूज करेंगे, उसके बाद अपलोड कर देंगे। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे आता है नेक्स्ट प्रोसेस, तो कास्ट जिस कास्ट से आप फॉर्म भरेंगे उस कास्ट का क्या होता है कि आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, चूज करके वह अपलोड कर देंगे। जैसे कि मैं SC से फॉर्म भर रहा हूँ तो इसका मैं SC का अपलोड, फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे जो भी आप अपलोड कर दिए तो इस तरह से ग्रीन हो जाएगा आपका, जो भी आप फाइल अपलोड किए सब इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट यानी कि सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से पेज ओपन आ जाएगा, स्क्रॉल के ऊपर से देख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा
एडिट क्वालिफिकेशन, अगर आप एडिट करना चाहते हैं क्वालिफिकेशन में तो आप एडिट कर सकते हैं, या एडिट एड्रेस डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसमें लास्ट में देखिए आई हैव क्लियर, यहाँ पे बता रहा है येस, मतलब आपका जो फॉर्म फिलअप ओके है, येस कर देंगे। उसको हम सेव एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड सबमिशन, सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, जो लास्ट वाली ऑप्शन बचा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि आपके सामने इस तरह से पेज नंबर आएगा, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि योर लॉगिन एप्लीकेशन इज नो सबमिट हो गया है। और फ्रेंड्स प्रिंट के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। मैं बता दूँ फ्रेंड्स यहाँ पे ओबीसी और जनरल से आप आते हैं तो आपको ₹100 चार्ज लगता, जो कि अगला प्रोसेस होता, उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन आता। तो फ्रेंड्स आप उस प्रोसेस को कर लें, क्योंकि ये फॉर्म एसटी के लिए भरा गया था जिस कारण से इसमें पेमेंट का शुल्क नहीं लगा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम प्रिंट को कर लेते हैं। जब आप फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह पेज होगा आ जाएगा, देख पाएंगे कि आपका फॉर्म ओके हो चुका है। अब यहाँ पे आप प्रिंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट करके आप बैक आ जाएंगे, देख सकते हैं कि आप सेव पीडीएफ में आप इसको सेव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस डॉक्यूमेंट को आपको रखे रहना है क्योंकि आपको सिलेक्शन के टाइम में ये आपको काम करेगी। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मेरे चैनल के माध्यम से और भी जितनी भी रेलवे अप्रेंटिस आएगी, मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाएगा उसका रिजल्ट, मेरिट लिस्ट अगर जब भी आएगी तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये फॉर्म फिलअप लोग कर लेते हैं लेकिन क्या होता है कि मेरिट लिस्ट उनको मालूम नहीं चलता है, जिस कारण से उसको सिलेक्शन छूट जाती है। सो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।